वहीं भिंड में कुवारी नदी में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू करने उतरी एसडीआरएफ टीम सदस्य हादसे का शिकार हो गए। बचाव दल के दो सदस्य कुवारी नदी में डूब गए, जिनका रेस्क्यू कल रात से जारी है। रात में अंधेरा अधिक होने के कारण सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक, एसडीएम भिंड सहित एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। घटना कल शाम की है, जब एसडीआरएफ की टीम ने जैसे ही नदी में वोट डाली तभी वोट भवन में फंसकर पलट गई। बोट पर चार लोग थे, जिनमें तीन जवान और एक गांव का गोताखोर था। मौके पर मौजूद गांव के लोगों ने रस्सी के सहारे गोताखोर और एक जवान को बचा लिया, लेकिन बाकी के दो जवानों की जैकेट निकल गई और वे गहराई में चले गए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ अमरकांत जुड़ गए हैं। अमरकांत, दो जवान बहे और एक ग्रामीण के डूबने से मौत हुई है, क्या कुछ और इस पर अपडेट मिल पा रहा है? जी, रात में इनको पुलिस ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको खत्म कर दिया था, क्योंकि रात में यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो सुबह दोबारा 5 बजे एडिशनल एसपी का कहना है 5 बजे हमें रेस्क्यू किया, लेकिन अभी एनडीआरएफ की टीमें ग्वालियर से आई है, एक उत्तर प्रदेश की भी एनडीआरएफ की टीम को लगातार सर्च कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदी है क्वारी, उस क्वारी नदी को रोक कर एक डैम बनाया गया, नदी में ही बनाया गया, तो पानी का नीचे बहाव होता है, पानी के बहाव के बाद उसमें जो भंवर पड़ते हैं, तो एनडीआरएफ की टीम जो जाती है वो भंवर में फंस जाती है। जैसा कि विजुअल में देख सकते हैं आप डाला है कि भंवर में अभी भी बोट और उसकी लाइफ जैकेट फंसी हुई है। दो लोगों के फंसने के बाद उनकी अभी तक ये कोई जानकारी न तो एनडीआरएफ के लोग बता पा रहे हैं कि वो यहीं पर है, लेकिन सुन सर्चिंग जारी है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि अगर पुलिस प्रशासन या यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर उसमें नदी में जाने देता है तैराक थे गाँव के, तो हो सकता है कि उनकी जान बच सकती थी। मगर पुलिस प्रशासन का भी अपना कहना है कि चूंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास पूरी सुविधा है, तो अपनी सुविधाओं को देखते हुए हमने ग्रामीणों को नहीं उतारा और उनको रेस्क्यू अभी तक नहीं किया गया। तो जो दो लोग है वो दो लोगों को ग्रामीणों को कहना है कि दो लोग जो थे उसमें एक व्यक्ति ने जो इसमें नदी में झाड़ था उसको पकड़, लेकिन जब नदी के तेज बहाव में वो झाड़ टूट गया, उसके बाद जो भंवर होती है भंवर में फंस के वो कहाँ चले गए ये अभी भी तक मालूम नहीं है। उनका लगातार रेस्क्यू जारी है, उत्तर प्रदेश की जो रेस्क्यू एनडीआरएफ टीम आई वो भी सर्च कर रही है, और ग्वालियर से जो आई है वो भी सर्च कर रही है, और लगातार सर्चिंग जारी है। अभी तक किसी की कोई भी जानकारी नहीं मिली, ना उनकी कोई अभी तक लोकेशन है कहाँ है वो, या उनकी कोई बॉडी वगैरह अभी तक नहीं मिली है। चलिए अमरकांत, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद।